क्या आप सोच रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करूं, या आप सोच रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन कैसे लगाऊं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं सब्सक्राइब बटन कैसे लगाऊं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एनिमेटेड सॉन्ग कैसे लगाऊं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना टाइटल कैसे लगाऊं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम टाइटल कैसे लगाऊं, तो आप मत सोचिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आप सबके लिए लेके वीडियो एडिटिंग का पूरा डिटेल्स। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जाइए, लाइक पे बटन पे क्लिक मारिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये सारी बातों का आंसर मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि आप ये सब चीज़ें कितनी आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर व्यक्ति इसे सीख पाए और हमारे नए यूट्यूबर भी इसे सीख पाएँ। चलिए दोस्तों, हम चलते हमारे ट्यूटोरियल पर और आपको सिखाता हूँ कि आप कितनी आसानी से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं किसी भी अंदाज में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें काइन मास्टर ओपन करना है और एक एम्पटी प्रोजेक्ट को ले लेना है। जैसे हम ये प्लस पे आइकॉन है ना जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके हमें एक एम्पटी प्रोजेक्ट ले लेंगे। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका मतलब है आप 16:9 रेशियो में ये यूज़ करना चाहते हैं, या 9:16 रेशियो में यूज़ करना चाहते हैं, या फिर 1:1 रेशियो में यूज़ करना चाहते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि 16:9 रेशियो हम यूट्यूब वीडियो के लिए शूट करते हैं, 9:16 रेशियो टिकटॉक के लिए, और 1:1 रेशियो हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम के लिए। सबसे पहले हम 16:9 रेशियो को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह मैं वीडियो एडिट करता हूँ और किस तरह आप भी ईजी वे में वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड लेंगे, जैसे मीडिया पर मैंने क्लिक करा। अब आप देख रहे हैं बैकग्राउंड का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब इनमें से मैं कोई सा बैकग्राउंड मेरे वीडियो के लिए ले सकता हूँ, इसे मैं ये ले लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इस पर राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर हमें यस कर देना, क्लिक कर दिया, अब ये आ गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जितना हमारा वीडियो रहेगा। पहले हम कोई वीडियो आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। अब जैसे मेरा वीडियो है, मुझे उसे एडिट करना है, तो मैं लेयर पर जाऊँगा, मीडिया देख रहे हैं, मीडिया पर क्लिक करूँगा। अब कैमरे में ये मेरा वीडियो बना हुआ है, इसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया। अभी ऐसा शो हो रहा है, तो आप यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, स्प्लिट स्क्रीन, तो आपको ये फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक पूरा सेट हो जाएगा। अब यस पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। अब हमारा बैकग्राउंड की स्क्रीन बहुत छोटी दिखा रहा है, तो ये आप येलो ऑप्शन देख रहे हैं, इसको थोड़ा हमें खींचना है, ये आप देख रहे हैं, खींचते जाना है, जितना आपका वीडियो है उतना आपको खींचते जाना है, ये आपको इससे खींचते जाना है बहुत इजी वे में, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो ये ग्रीन ही दिख रहा है, तो इसे ग्रीन इफेक्ट को हटाने में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा वीडियो है, उसे मैं कट करना बताता हूँ आपको। जैसे हम कोई वीडियो शुरू करते हैं, तो हमारा जो पहले वाला पार्ट है जो हम शुरू करने के पहले करते हैं, उसे हमें कट करना रहता है। तो आप कैची वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपसे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, मतलब आप लेफ्ट पार्ट कट करना चाहते हैं या आप राइट पार्ट कट करना चाहते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, क्योंकि मुझे लेफ्ट पार्ट हटाना है वीडियो का, क्योंकि मेरा वीडियो राइट से शुरू हो रहा है, ये मैंने कट कर दिया। अब ये वीडियो पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा उसको होल्ड करके रखना है और धीरे से खसका देना है, ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ आप बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो पे क्लिक करना है, ये क्रोमा की दिख रहा है आपको, क्रोमा पे क्लिक करना है, और ये इनेबल कर दिया आपने। अब आपको इससे पता लग जाता है कि आपका वीडियो आपके बैकग्राउंड पे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये शो मास्क से, शो मास्क करा मैंने, और इसे में ये पूरा पीछे की बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए और आपका जो वीडियो है वो वाइट होना चाहिए, तो उससे आपको पता लग जाए कि आपका बैकग्राउंड फिट हो गया है। देख सकते हैं आप ये की कलर, अगर आपका पर्दा ब्लैक है तो आप ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं, या आपका जो कलर हो वो आप अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। इसकी बहुत डिटेल्स है, वो मैं आपको कभी बताऊँगा डिटेल्स में। इस पर हम यस कर देते हैं, अब इस पर हम यस कर देंगे, ये आप देख सकते हैं हो गया हमारा पूरा। अब हम बैकग्राउंड में थोड़ा पीछे कोई चाहते हैं कि शाइनिंग वाले इफेक्ट हो, तो आपको दिख रहा है ये विग्नेट, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये आ गया थोड़ा पीछे, ऐसा लग रहा है आप लाइट वगैरह, इसको भी हम यस कर देंगे। आपको धीरे धीरे मैं पार्ट बताता हूँ जिसे मैं यूज़ करता हूँ, पहले आपको पार्ट समझा देता हूँ। जैसे आया मैं मीडिया पे, ये लेयर पे क्लिक करा मैंने, अब मेरे को इसमें मेरा टाइटल लगाना है,
तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब जो भी मेरा टाइटल है मैंने डाउनलोड करके रखा होगा, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे टाइटल्स हैं, फेसबुक के टाइटल्स हैं, इंस्टाग्राम के टाइटल्स हैं, ये सब आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं जैसे मुझे ये टाइटल चाहिए, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये आपको ऐसा दिख रहा है, इसमें बहुत सारे टाइटल आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे इसे भी कट करना है, तो अब ये दिखा रहा है कि ऐसा टाइटल आएगा, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में। अब इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से ग्रीन स्क्रीन शो हो रही है, इसे मैं कट कर दूँगा। ये आपको बताया मैं ट्रिम टू लेफ्ट, ये कट कर दिया। अब ये ग्रीन स्क्रीन कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो अब मैं इसे भी ट्रिम टू राइट, मतलब इतना पार्ट भी हटा दूँगा जितना जितना मुझे टाइटल चाहिए। ये देख रहे हैं हम, ये हम वीडियो का ये जो ग्रीन वेप है उसे हम, ये आप देख सकते हैं, ये आ गया। अब मैं इसे वही क्रोमा की पे गया और इनेबल कर दिया। अब ये की कलर इसमें दूसरा है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये देख रहे होंगे कि आप ये हमारा हट नहीं रहा था, तो हम इसे ग्रीन पे सिलेक्ट कर देते हैं, की कलर को ग्रीन कर देते हैं, ओके करा, ये हट गया हमारा, ये आप देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से हट गया, ठीक है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया, और इसे यहाँ पे रख लेंगे। अब इस पर आप बोलेंगे तो ऐसे शो हो रहा है जैसे टाइटल, तो अब हमें जो इस पर वर्ड है, हमारा नाम है जो भी है, वो हमें इस पर डालना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे शो होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसको यस कर दिया। अब लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट पे आप लिख सकते हैं आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा है कृतिक टे, तो मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जो भी आप फॉन्ट वगैरह हैं वहाँ से सेट कर सकते हैं, छोटे हैं तो छोटे सेट कर सकते हैं, अपना नाम अपने टाइटल के हिसाब से, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ अभी, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट बहुत सारे हैं, ये हम कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आ गया, और इसे भी हम हमारे टाइटल के टाइमिंग के हिसाब से मैच कर सकते हैं, ये आ गया। अब इसे हमें थोड़ा टाइटल में हमें एनिमेशन दे रहा, टाइटल को सिलेक्ट करेंगे हम, आप देखेंगे इन एनिमेशन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब आपको साइड से चाहिए आते हुए, या लेफ्ट से चाहिए, या ऊपर से चाहिए, जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे मैं इसे लेफ्ट से कर देता हूँ या राइट से कर देता हूँ और रिपेक्ट क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इस पर आपको दिखाता हूँ, या आप देखिए दिख रहा है आपको, तो इस तरह से आप टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बात आती है सेकेंड नंबर का, इफेक्ट देने की। अब हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको कैसा इफेक्ट देना है, ये बेसिक इफेक्ट पे जाएंगे या गेट मोड करेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट पे जाएंगे। जैसे हम ये लेते हैं ग्लेशियन ब्लर, इसे ब्लर करना है हमें, कोई भी इफेक्ट देना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, या आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो ब्लर हो गया। अब ये जितने जगह में आपको करना है ब्लर उतना ही होगा, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा यहाँ ब्लर हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लेयर को कॉपी करके दूसरी जगह बना सकते हैं। अब जैसे मैं कोई ये करना है, आपको दिखा देता हूँ, इतना लेयर करना, यस करा मैंने, अब इतना पार्ट ब्लर हो जाएगा, देखिए आप ये हो गया ब्लर, लेकिन ये सब ब्लर हो जाएगा। अब हम तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, लेयर पे क्लिक करते हैं हम, आप देख रहे हैं ओवरप्ले, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन ये गेट मोड में जाके मिल जाएंगे, जैसे मेरे पास लाइव म्यूज़ का ओवरप्ले है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है इसमें, देख सकते हैं आप, मैं इसे ले सकता हूँ यहाँ से, इसे ब्रेकिंग न्यूज़ वाले को भी ले सकता हूँ, जो मैं चाहे वो ले सकता हूँ, या फिर ऐसा ले सकता हूँ कोई मुझे बनाना है, या फिर ऐसा ले सकता हूँ, या आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, इसको जितना आपको बैकग्राउंड में चलाना है उतना मैं ले सकता हूँ। अब जैसे मुझे ये चलाना है, ये आप देख सकते हैं ये चल रहा है, कितना शानदार लग रहा है। तो इस तरह आप ये लेयर में इसे ओवर प्ले पर जाके ऐड कर सकते हैं। वापस हम लेयर पर जाते हैं, हमारा आता है चौथा ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए हम मीडिया पे जाएंगे। जैसे आप बहुत सारे बोलते हैं कि हमें सब्सक्राइब बटन ऐड करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम बटन ऐड करना है, तो हम ये मीडिया पे ही जाएंगे उसके लिए लेयर में, ठीक है। अब हमारे पास डाउनलोड में पड़े हुए हैं ये आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये मेरे बटन है, फेसबुक बटन है, ये सब्सक्राइब बटन है, फेसबुक का सब्सक्राइब बटन मेरे पास एक साथ पड़ा हुआ है, तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ गया, ये आप देख सकते हैं। फिर इसी को हम वापस जाएंगे क्रोमा की पे और इनेबल कर देंगे, ठीक है। ये की कलर हमारा ग्रीन होना चाहिए, अब मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ, ये आ रहा है।
अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा जहाँ आपको एडजस्ट करना है, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना बड़ा, उसको हम रख देंगे। मैं आपको पूरा ये प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या आपको प्ले करते हैं? ये देखिए आप, ये आया हमारा सब्सक्राइब बटन आया सबसे पहले। ये सब आपको नो कॉपीराइट मिलेंगे, इसमें कोई आपको कॉपीराइट का कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये फेसबुक बटन आया, आप फॉलो लाइक एंड शेयर। अब मुझे याद आया कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं तो भूल ही गया था। अब देखिए अब आएगा इंस्टाग्राम बटन, कितना इजी है इन सबको लगाना। तो ये सब आप इजी वे में कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चौथा ही पांचवा ऑप्शन है वो आपको बताता हूँ मैं। उसके लिए हमें सॉन्ग को ऐड करना रहता है। तो ऑडियो में जाएंगे आप और सॉन्ग आप वही ऐड करें जो कॉपीराइट नहीं हो। आपको काइनमास्टर मिल जाएगा या फिर यूट्यूब की स्टूडियो पे आपको मिल जाएगा सॉन्ग कलेक्शन। जैसे मेरे पास म्यूज़िक असेट्स में पड़े हुए हैं सॉन्ग्स, तो ये कॉपीराइट नहीं है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये आप मेरे वीडियो में बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये बहुत सारे हैं। यहाँ से आप जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो इसमें प्लस वाला ऑप्शन दिख रहे हैं, इसे हमें प्लस कर लेना और इसे राइट क्लिक करना है। अब ये सॉन्ग पे हम क्लिक करेंगे और इसको होल्ड करके रखना और हमें इसको आगे तक ले जाना है जहाँ से हमारा वीडियो शुरू हो रहा है। तो ये हम ले जाते हैं इसको, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये लिया है। अब इसे हम प्ले करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि आपको साउंड आ रहा होगा। तो इस तरह से हम ऑडियो भी इजी वे में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी मेरे से हो सकती है। दोस्तों मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो डिसलाइक करते हैं, और जो लाइक करते हैं वो तो मैं उनका दिल से आभार करता ही हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको लेट ज़रूर हो सकता हूँ मैसेज देने में, पर आपकी हेल्प पूरी जितनी हो सकेगी मेरे से ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ।